Guys, I need your attention. We are officially starting off with the electric fields on YouTube. मैंने पहले जो electric fields का जो topic डाला है वो था non-uniform fields से थोड़ा सा deal करता था. अभी हम लोग कर रहे हैं uniform fields, पहले हम लोग tackle out करेंगे इधर. So that you don't get bored. Basically, what exactly is an electric field? इलेक्ट्रिक, ये सवाल भी आ चुका है पास पेपर के अंदर, और ये बोलता है कि अ रीजन इन स्पेस वेयर अ चार्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. मेरा अयान, मिस्टर अयान, आप मुझे इसका जवाब दोगे, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ चार्ज्ड बॉडी? चार्ज्ड बॉडी क्या होती है, मतलब कैसे हो सकता है चार्ज? यस एनीवन, चार्ज्ड बॉडी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स. थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करो, कोई और, एनीवन? एग्जैक्टली, शी इज राइट. बेटे आपका नाम? सारा इज एब्सोल्युटली राइट. जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ चार्ज बॉडी. अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा? नेगेटिव. और अगर उसमें डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो पॉजिटिव चार्ज होगा. अब इसने मुझे कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस वेयर अ चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. इसका कहने का मतलब यह है, सपोज करो मेरे पास एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब आइडिया ये है कि अगर मैंने इसके अंदर एक चार्ज बॉडी रखूंगा तो इस पर फोर्स लगेगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सही है, डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब मेरे पास सबसे पहली चीज है कि आपको ये पॉइंट जो है ना मेंशन कर लो या लिख लो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कन्वेंशनली हम लोग जो टेस्ट चार्ज का वर्ड होता है उसको हम लोग करते हैं इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये आप मेंशन कर लो अपने पास कहीं पे, नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेरी एक बात जरा सुनो, ये टेस्ट चार्ज पे हम लोग अभी आएंगे, बल्कि मैं अभी आ जाता हूँ टेस्ट चार्ज पर. अब जरा इधर देखो, मेरे पास एक बड़ा सा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास लाइनें निकल रही है, दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. बेसिकली दे आर कमिंग आउट रेडियली फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. यहां तक आ गए? अब जरा इधर देखो, ये जो मैंने इस फील्ड की जो बेटे क्या हो गया, इस फील्ड की जो मैंने डायरेक्शन मार्क की हुई है, ये डायरेक्शन हमने कैसे मार्क की है, वो इसकी वजह से मार्क की है, टेस्ट चार्ज की वजह से. अब जरा इधर देखो, सिंस मैंने कहा कि भाई ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, सही है, एक बड़ा चार्ज है, पॉजिटिव है. अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो आपको चार्ज नजर आ रहा है, ये वाला, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने इसके करीब रखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्शन? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन होगी. तो रिपल्शन अगर मैंने इधर रखा होगा तो इस तरफ चला जाएगा, इधर रखा होगा तो इस तरफ चला जाएगा, इधर रखा होगा तो इस तरफ चला जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सो बेसिकली यू कैन सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? मतलब आर्बिट्रली हमने टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो डायरेक्शन इस पर आएगी वही फील्ड की डायरेक्शन हमने सेट की हुई है. इज दैट क्लियर? नेगेटिव टेस्ट चार्ज नहीं रखते कभी भी. ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? अब जरा इधर देखो, अब आप इसके बाद एक काम करो, एक डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की. अब जरा लिसन, ये मेरे पास एक डायग्राम है, इस साइड पे मेरे पास चार्ज है पॉजिटिव और इस साइड पे मेरे पास चार्ज है नेगेटिव. मैंने इधर कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये एक डायरेक्शन मैंने फील्ड लाइन का सेट कर दिया है. अब ये कैसे सेट हुआ है ये भी जरा सुन लो, प्लीज गाइज, आई नीड योर अटेंशन, स्टॉप राइटिंग. ये कैसे डिफाइन किया हमने, जरा इधर देखो, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर मैंने इधर रखा तो हमारे पास पॉजिटिव साइड से क्या होगी, रिपल्शन होगी. तो इसका मतलब है कि इधर से मेरे पास फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है. और मुझे एक बात बताओ,
विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोजिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज, मेरे पास इधर से क्या आ रही होगी? अट्रैक्शन आ रही होगी. तो इसका मतलब है कि इधर से मेरे पास डायरेक्शन ये होगी. सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास डायरेक्शन इस तरीके से डिफाइंड हुई भी है कि हमारे पास फील्ड लाइन की ऐसी डायरेक्शन है, वो बता रहा होता है कि हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, किसको नहीं समझ में आई ये बात? क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया बेटे? मैंने सिंपल सी बात इधर ये की है. इधर देखो, मैं इधर बोर्ड पे आके समझा रहा हूं. लिसन, ये मेरे पास क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. याद है बात? क्लियर है? ये हमने डिफाइन किया था कि टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा. अब अगर यहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इधर अगर मैंने रखा होगा तो इस साइड से क्या, कौन सी फोर्स आ रही होगी? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव फोर्स आ रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है. तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हुआ? राइट साइड पर हुआ. इज दैट क्लियर? सिमिलरली इस साइड से कौन सी फोर्स आ रही होगी मेरे पास? अट्रैक्टिव. तो फील्ड का डायरेक्शन, मेरा मतलब इधर जो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? राइट साइड पर. तो ये देख लो कि इसकी वजह से, इस फोर्स की डायरेक्शन की वजह से हमारे पास फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव. इज दैट क्लियर? समझ गए? अब जरा इधर देखो, आगे चलते हैं. अब जरा इधर देखो, आई नीड योर अटेंशन. अब मेरे पास जरा इधर देखो, पहले मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज करके फिर समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पहले समझ लो फिर उसके बाद बात करते हैं. व्हाट हैपेंस अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी आपस में, मतलब एक पैरेलल प्लेट ये रही और एक पैरेलल प्लेट ये है. अब मैंने पहले एक काम किया कि एक बैटरी ली, सही है, एक हाई पावर्ड बैटरी ली, उसका एक टर्मिनल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया. द नेगेटिव टर्मिनल इज द बॉटम टर्मिनल. Do you understand this thing? So basically what we have is one plate which is parallel to the other plate. Do you understand this thing? Ab jab bhi hamare paas parallel plates hoti hain, to inke beech mein hamare paas uniform field hoti hai. Uniform field ka matlab ye hota hai ki har jagah electric field strength exactly same hoti hai. Abhi main diagram pe bhi explain kar dunga. Ya main isko aise bhi keh sakta hu ki agar hum log iska pattern bhi banayenge, agar hum iski drawing bhi karenge, तो फील्ड लाइंस के बीच की जो सेपरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी. अब जरा इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब जरा इधर देखो, एक मैंने फील्ड लाइन ये बना दी, 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 एक मैंने ये बना दी, और फाइनली मैंने एक ये बना दी. अब जरा इधर देखो, अब डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दूसरी बात ये है कि मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही रफली ड्रॉ किए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म फील्ड्स होती हैं उसको पता कैसे चलता है? वो पता ऐसे चलता है कि इन लाइन्स के बीच में जो सेपरेशन होनी चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, मतलब दे शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. इज दैट क्लियर? They should have the same distance from each other. ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसका कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सिंपल. सपोज करो कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है. लेट सपोज द चार्ज इट सेल्फ इज पॉजिटिव, ठीक है, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, सही है. अब मैंने एक काम किया कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैंने इधर रखा तो हमें पता है कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. सिमिलरली अगर इधर भी रखेंगे तब भी नीचे जाएगा, इधर भी रखेंगे तब भी नीचे जाएगा. अग्री? ये बात तो है, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, इट्स अ फैक्ट, राइट? ऊपर से रिपल्शन हो रही होगी. लेकिन इस फील्ड जब यूनिफॉर्म होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फोर्स इधर लग रही होगी वही सेम फोर्स इधर भी लगेगी, वही सेम फोर्स इधर भी लगेगी, वही सेम फोर्स इधर भी लगेगी, वही सेम फोर्स इधर भी लगेगी. मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगी तो 10 न्यूटन की फोर्स इधर भी लगेगी, 10 न्यूटन की फोर्स इधर भी लगेगी, 10 न्यूटन की फोर्स इधर भी लगेगी, 10 न्यूटन की फोर्स इधर भी लगेगी.
the force remains the same at every single point because the electric field strength remains the same at every single point. Please tell me, is this clear? अब यही चीज अगर मैंने इधर अप्लाई की, इस वाले फील्ड में अप्लाई की, अगर ये वाला मेरे पास डायग्राम है तो इधर देख लो कि इसमें क्या होता है. इधर मेरे पास फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इधर फील्ड लाइंस क्लोजर है, और इधर मेरे पास जो फील्ड लाइंस है इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर है तो इधर फोर्स कम लग रही होगी. इज दैट क्लियर? बट वेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमारे पास एट एवरी सिंगल पॉइंट द फोर्स रिमेन्स द सेम. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात क्लियर है? ये बहुत ही गलत सोच होगी कि इधर रखेंगे तो ऊपर से फोर्स ज्यादा आ रही होगी, इधर रखेंगे तो नीचे से फोर्स ज्यादा आएगी. ऐसा कुछ भी नहीं होता. समझ गए? इसको कॉपी कर लो इधर फिलहाल. इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर होगी तो फोर्स वीकर होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फोर्स भी कांस्टेंट होगी. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? खैर, दिस इज अनदर डायग्राम दैट डिपिक्ट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड. कैन यू सी दैट? अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, इधर देखो. सबसे पहले जरा इधर इधर फोकस करना, प्लीज फोकस योर अटेंशन ओवर हियर. यहां पे मेरे पास जो, ओ माय गॉड, यहां पे जो मेरे पास फील्ड लाइंस है क्लोजर है तो इधर मेरे पास स्ट्रॉन्गर फील्ड है, इधर मेरे पास इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा है तो वीकर फील्ड है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? और सिंस दिस इज अ चार्ज स्फीयर, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर स्फीयर के अंदर या सॉलिड बॉडी के अंदर या सॉलिड स्फीयर के अंदर जीरो होती है हमेशा. बस एक फैक्ट है जिसको आप मेमोराइज कर लो. इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो फील्ड लाइंस हमारे पास निकल रही हैं, ये फील्ड लाइंस रेडियली बाहर निकल रही हैं. रेडियल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि इसका ओरिजिन ये सेंटर है इसका. इज दैट क्लियर? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती थी वो भी तो रेडियली थी ना. रेडियल का मतलब होता है दे ऑलवेज अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी, क्लियर है ये बात? ये हो गया? इज दिस क्लियर? बस एक चीज पॉइंट ये याद रखना कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है? फिर उसके बाद मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जरा इधर देख लो. दिस इज एन एग्जाम्पल. दिस वॉज एक्चुअली आस्ट, यू आर आस्ट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट लकीली ये डायग्राम मैंने ही आपके लिए बना के रख दिया है. इसने मुझे बोला है कि भाई एक मेरे पास एक सॉलिड चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और मेरे पास ऊपर 220 वोल्ट्स लगे हुए हैं और नीचे मेरे पास 0 वोल्ट्स लगे हुए हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ. अर्थ इज द रेफरेंस पॉइंट और ये 0 वोल्ट्स पर होता है. अब सबसे पहली चीज है कि आपको एक चीज और भी याद रखनी पड़ेगी कि फील्ड लाइंस जो होती हैं दे ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. आप लिख लो इस बात को, पहले लिखो, मैं डिक्टेट करा रहा हूं आपको. फील्ड लाइंस, स्टार लगा के पॉइंट लिखो, फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है? ये मैंने इधर लिख भी दिया है आपके लिए. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? एक तो भाई हमारे पास एक तो रूल ये है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन अगर मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हों तो फिर जो हायर पोटेंशियल पे होगा वो उधर से फील्ड लाइंस निकलेंगी और लोअर पोटेंशियल पे जाएंगी. ये बात समझ में आ गई? अब जरा इधर देखो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं खुद ही बना के दिखा देता हूं. ये मैंने मिटा दी लाइन है. ठीक है? अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सपोज दिस वॉज गिवन टू यू, ये मेरे पास था. मैंने देखा कि भाई ऊपर वाला जो चार्ज है
ऊपर वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला जो चार्ज है ये बेसिकली अर्थ के साथ कनेक्टेड है, जीरो चार्ज है। अब मैंने इधर कॉन्सेप्ट ये वाला यूज किया कि फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब सीधी सी बात है, इधर मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन यहां से लेकर यहां तक बनाऊंगा बिकॉज हमें पता है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगी। लेकिन फिर हमें एक रूल भी मेंटेन करना है कि भाई हमेशा जब भी सरफेस से क्रॉस होके जाएगी या सरफेस पे टर्मिनेट होगी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर आपने गलती से फील्ड लाइन को ऐसे बना दिया दिस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, क्योंकि आपने लॉ ही वायलेट कर दिया। इधर लॉ कौन सा वायलेट कर दिया कि इधर आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है। इसको 90 डिग्री का करने के लिए आपको कर्व बनाना पड़ेगा इधर, यानी आप इधर से स्टार्ट करोगे और ये ऐसे जाएगा आपके पास। इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप इधर से स्टार्ट करोगे तो ये ऐसे जाके कर्व इस तरीके से बनेगा ताकि हमारे पास यहां पे 90 डिग्रीज के एंगल्स मेंटेन हो। इज दैट क्लियर? और सिमिलरली आप इस साइड पे भी इसी तरीके की लाइन बनाओगे। इधर भी बना दी मैंने और इधर भी मैंने बना दी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू डू इट। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? और जब भी आप फील्ड लाइंस बनाओगे तो इन पे एरोज लाजमी आप ड्रॉ करोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर ये कह रहे थे कि फर्ज करो मेरे पास इधर लेट सपोज अर्थ नहीं होता, ये एक प्लेट होती और ये प्लेट मेरे पास 10 वोल्ट्स पर होती पॉजिटिव, तब भी फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती मेरे पास। ठीक है? हायर टू लोअर, समझ गए? क्लियर है? लेकिन शायद हमारे पास सेपरेशन जो होती लाइंस के बीच में वो थोड़ी और बढ़ जाती क्योंकि वीकर होती। ठीक है? अगर 220 से ज्यादा भी कर दिया तब भी हमारे पास बात हुई है ना, हायर टू लोअर है। अगर फर्ज करो मैंने इसको 1000 वोल्ट्स कर दिया, मेरे पास इसका जो पैटर्न होगा उसका शेप तकरीबन सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि मेरे पास फील्ड लाइंस करीब करीब आ जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी इधर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन ये इनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू, मतलब पॉजिटिव का कहने का मतलब है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये बात क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम है जिसको मुझे समझाने के लिए पहले ये सारा मिटाना पड़ेगा ताकि आपको मैं खुद समझाना चाहता हूं ये सारा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली पढ़ के बताऊंगा तो वो मजा नहीं आएगा उसमें समझने में। इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई नीड योर अटेंशन। मैंने क्या किया इधर इसको समझाने के लिए, मैंने एक काम किया, इधर देख लो, बस इधर से तो मैं समझा सकता हूँ। अब द आइडिया इज दैट मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये रही प्लेट और एक प्लेट ये रही। एक मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्टेड है और एक मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्टेड है, और इस प्लेट के बीच में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी का है। ठीक है? या ई एम एफ वी है। इज दैट क्लियर? EMF या पोटेंशियल डिफरेंस V है हमारे पास। यहां तक पहुंच गए? अब जरा सुनो, एक और चीज है कि इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसको मैं मार्क कर रहा हूं D से। समझ गए? इनके बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स का। फील्ड लाइंस अगर मैं इधर बनाऊंगा तो ये हमें पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेंगी, ये फील्ड लाइंस होंगी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास। ठीक है? एक अंदाजे से मैंने बना दी इधर फील्ड लाइंस, कैन यू सी दैट? और ये हमारे पास इनका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ये भी मैंने बता दिया। अब जरा विदाउट प्रूफ एट दिस लेवल, मैं अभी प्रूफ नहीं दे सकता, मैं थोड़ी देर में जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तब हम लोग जो है इसका प्रूफ भी डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको मेमोराइज कर लो। अब मेमोराइज ये करना है कि अगर मेरे पास इस तरीके से सिचुएशन हो कि मेरे पास यूनिफॉर्म फील्ड है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इधर अगर आपको सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई निकालना है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो आप सिंपल इधर एक फॉर्मूला लगा सकते हो वी ओवर डी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी इज द पीडी, डी इज द सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक
field strength. Is that clear? यहां तक पहुंच गए? अब इसका प्रूफ मैं तब दूंगा जब हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट करेंगे, जब ये चैप्टर का जब हम लोग एडवांस ग्राफ्स करेंगे इसके, तो उस टाइम पे मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि ये हमारे पास E is equal to V over D बना कैसे था. अभी हमारे पास इतने हमारे पास टूल्स नहीं है कि हम लोग अभी इसको फिलहाल बना सकें, ठीक है, वो भी आ जाएंगे आपके पास. यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिलहाल एक चीज मेमोराइज कर लेना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के लिए यूज हो सकता है और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है. मैं इधर लिख भी देता हूं, ओनली यूज्ड फॉर पैरेलल प्लेट्स, ठीक है. ये इसकी लिमिटेशन है बेटे, क्लियर है? ये इसकी एक मेजर लिमिटेशन है अगर आप इसकी बात करोगे. यहां तक पहुंच गए? सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? 100% क्लियर है? अच्छा, अब जरा सुनो, इधर देखो. मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक यूनिट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, पिछली दफा हमने बनाया था कि फोर्स ओवर चार्ज था, यानी न्यूटन पर कूलम था. लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास एक और यूनिट बन सकता है, वोल्ट. हमारे पास वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट्स एंड डी स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस. तो मेरे पास एक और यूनिट, इधर से हम लोग एक और यूनिट बना सकते हैं इसका, और वो यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर. इज दैट क्लियर? सो पेपर में अगर आपके पास ये वाला यूनिट आ जाए या ये वाला यूनिट आ जाए, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स द सेम थिंग. क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? कॉपी करना चाहो तो कर लो. अच्छा, फिर इसके बाद ये तो मैंने करा दिया. अब मेरे पास एक सवाल आया इधर, एक छोटा सा सवाल आया इधर. इधर देखो, एक और चीज थी जो मैं पहले इससे पहले डिस्कस करना चाहिए. एक और चीज है दैट आई वांट टू कवर इज दैट हाउ वुड यू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. कैसे बनाओगे इसका फॉर्मूला? भाई इधर देखो, हमें पता है, इधर देखो, मैं बना के दिखा देता हूं आपको. E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू था, तो एफ इज इक्वल टू ई क्यू लिख सकते हैं इसको. अब मैं एक और काम कर सकता हूं, इस E की जगह पर मैं V ओवर D सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी फाइनली मेरे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू वी क्यू ओवर D. इज दैट क्लियर? ये वाला भी सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के लिए यूज हो सकता है. अयान क्लियर है? कोई मसला? ये वाला भी पैरेलल प्लेट्स के लिए और ये वाला भी पैरेलल प्लेट्स के लिए ही है. समझ गए? ठीक है, कॉपी करना चाहो तो कर लो. वही बोला कि यू गाइज आर स्मार्ट, यू आर राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम एट एवरी सिंगल पॉइंट. सो ऑब्वियसली डी ओवर टू मत करना. बहुत आपको अर्ज आएगी कि यार आधा डिस्टेंस है तो आधी होनी चाहिए, लेकिन प्लीज मत करना ये चीज. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप. बेटे निकालेंगे कैसे? आप यहां से निकालोगे ना, ये वाला डी लेकर, पूरा डी लेकर निकालोगे. इट डजेंट मैटर कि आप इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर निकाल लो या इधर निकाल लो, हमेशा पूरा सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स ही लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए. समझ गए? क्लियर है ये बात? अब लास्ट सवाल, एक बस सिर्फ एक सवाल छोटा सा है, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद अटेम्प्ट करके देखो कि आपसे कुछ होता है या नहीं हो पाता.